हुकूमत हिंद ने 44 मजदूर कानूनों को 4 कानूनों में बदल दिया है। इन चारों कानूनों को मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं है। मजदूरों का कहना है कि ये कानून मजदूरों के खिलाफ है, मजदूरों को ये कानून एहतजाज करने से रोकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लोग एहतजाज करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें इसमें शामिल हुए हैं, मजदूरों के मुख्तलिफ तंजीमें और लेबर्स एसोसिएशन की जानिब से ये बड़े पैमाने पर जो है एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। इन लोगों का मुतालबा है कि इस कानून को किसानों के कानून की तरह ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये जो है मोदी सरकार ने जो 4 कोड लाए हैं, जो लेबर के 44 कोड यानी एक्ट्स को हटा के वो सब 4 कोड के अंदर डाल के वो जो नए कोड लाए हैं वो सब जो है जो मजदूर के खिलाफ के कानून हैं वो, और उसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर को भी उसमें नुकसान है, उसी तरह अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर को भी नुकसान है। हमारे को मिनिमम वेजेस जो है 25,000 रुपीस देने के हमारा मजदूरी ये डिमांड है अब इसे। और ये 4 के 4 लेबर कोड पूरे तरीके से मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेलने वाला, उनकी पीढ़ियों को गुलामी की तरफ धकेलने वाला है, पूरे तरीके से पूंजीपतियों के हित में है, उनके मुनाफों को बढ़ाने वाला है। इसमें हर तरीके से मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करके हायर एंड फायर की जो नीति है उसको बना करके, और किसी भी मिनिमम वेज की जो बात है और इक्वल पे की जो लगातार मजदूरों के मौलिक अधिकारों की जो बात है उस पर पूरे तरीके से अटैक करते हुए एक लेबर कार्ड कानून बनाए गए हैं। और एक तरीके से आप अगर ये 4 लेबर कोड लागू हो जाते हैं तो मजदूर ना तो हड़ताल कर पाएगा, हड़ताल करने का अपराधीकरण किया जा रहा है, ट्रेड यूनियनों का अपराधीकरण किया जा रहा है। हड़ताल करने पर भारी जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है, और जो हड़ताल का जो समर्थन भी करेगा उसको चंदे के रूप में भी पैसा देगा तो उन पर भी जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी कि सीधे सीधे जो संगठन बनाना, आंदोलन करना, संघर्ष करना मजदूरों का बुनियादी अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया हुआ था, उन अधिकारों पर सीधे सीधे सरकार ने जो हमला किया है उसके खिलाफ में पूरे देश भर से मजदूर लड़ रहे हैं।